नेक्स्ट वीडियो के साथ। आरसी का जो प्रीवियस पार्ट है वो हमने नाइस लास्ट वीडियो में कवर किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी लाजमी दबा देना ताकि आप लोगों को हर मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रोमन वर्सेस रे मिस्टेरियो होता है स्मैकडाउन अप्रैल जून 2021 को, जो इनकी रिवैलिटी काफ़ी खतरनाक चली थी। रोमन को उठा के जो है वो यहाँ पे स्टील हेल इन अ सेल के केज पे मार देता है और यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है रे मिस्टेरियो की। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन को अभी भी नहीं छोड़ता, उल्टा रेफरी के ऊपर गुस्सा करता है कि क्यों मेरे बीच में आ रहे हो, यहाँ पे हेल इन अ सेल का मैच है और यहाँ पे जो है वो तुम मेरे बीच में नहीं आ सकते, मुझे करने दो जो मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो उसको अपनी कमर पकड़ के लेटा होता है रे मिस्टेरियो, यहाँ पे जो है वो उसको यहाँ पे गीटी मार देता है और गीटी बहुत आसान तरीके वाला मारता है। यहाँ पे जो है वो फटाफट जो है वो रे मिस्टेरियो टैप कर देता है और आउट हो जाता है, रोमन रेंस अपना टाइटल रिटेन कर लेता है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रे मिस्टेरियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेसर है, बट वो रोमन रेंस के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि रोमन रेंस जो है वो एक खतरनाक रेसर बन चुका था उस टाइम, तो बन चुका था बट अब जो है वो रोमन रेंस यहाँ से लीव कर चुका है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफरी जो है वो बहुत गुस्सा होता है कि तुमने रोमन रेंस को क्या हल कर दिया बेचारे को मार मार के, और इसी के साथ साथ जो है वो रोमन रेंस उस रेफरी के ऊपर भी गुस्सा करता है। तो इसके साथ आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो रोमन रेंस का और एड्स का मैच हो रहा होता है, यहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए जो है वो सेथ रॉलिंस आता है, यहाँ पे एड्स जो है वो सेथ रॉलिंस को किक मार के डाउन करता है, इतने में रोमन रेंस को टाइम मिल जाता है, रोमन रेंस एड्स को ही स्पेयर मार देता है। ये मनी इन द बैंक है 2021 रोमन रेंस वर्सेज एड्स, यहाँ पर सेथ रॉलिंस जो है वो शील्ड का मैच ब्रेक कर देता है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन रेंस एड्स को पिन करता है 1-2-3 और यहाँ पर रोमन रेंस जीत जाता है, अपना टाइटल रिटेन कर लेता है। तो इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेथ रॉलिंस का आने का मतलब था, सेथ रॉलिंस ने मैच को कर दिया था, मीन्स सेथ रॉलिंस ने जो है वो अपनी बारी लगाई थी, क्या मेरी बारी है नेक्स्ट रोमन रेंस से मैच करने की। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि एज वो बहुत खतरनाक रेसर है, एज ने काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रोमन रेंस को मारा था। और इसी के बाद जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोमन रेंस एज को देखता है बहुत गंदी तरह से, और नेक्स्ट टाइम जो है वो रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना होता है समर स्लैम के अंदर 2021 समर स्लैम रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना। यहाँ पे जो है वो जॉन सीना की भी हालत बहुत बुरी हुई थी, रोमन रेंस जो है वो अपना स्पेयर लोड करते हैं और जो है वो खतरनाक स्पेयर जॉन सीना को मार देते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो जॉन सीना गिर जाते हैं, जॉन सीना गिरने के बाद जो है वो रोमन रेंस को कवर करते हैं 1-2-3 और रोमन रेंस अपना टाइटल यहाँ पे भी जो है वो रिकवर कर लेते हैं, मीन्स अपना टाइटल जो है वो रिटेन कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रोमन रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करने वाला रेसलर था और यहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा रेसलर्स को हाइप भी दिए और जो है वो WWE को भी हाइप दिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे रोमन रेंस के काफ़ी ज़्यादा मैचेस हुए थे इन 4 सालों के अंदर, काफ़ी ज़्यादा मैचेस वो जीत चुका था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जॉन सीना को भी उसने रिटायर कर दिया था, काफ़ी ज़्यादा रेसलर को उसने रिटायर किया था। और इसी के साथ साथ जो है वो नेक्स्ट मैच रोमन रेंस का होता है, यहाँ पे जॉन सीना को तो उसने हरा दिया था, काफ़ी ज़्यादा पुराने रेसलर्स को हरा के वो यहाँ तक पहुँचा था और यहाँ पर जो है वो जॉन सीना के ऊपर खड़े हो गए, यहाँ पर टाइटल दिखाता है क्योंकि जॉन सीना को जो है वो 2021 के समर स्लैम में रिटायर कर देता है। इसी के बाद जो है यहाँ पे रोमन रेंस का और फिन बैलर का मैच होता है स्मैकडाउन के अंदर September 3, 2021 रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुडन क्रॉस मारता है बट यहाँ पे रोमन रेंस जो है वो टैप कर देता है और यहाँ पे टैप करने के बावजूद भी उसको फिन बैलर को लो ब्लो लग जाता है जिसके वजह से फिन बैलर लेट जाता है और रोमन रेंस को मौका मिल जाता है एक्टिव होने का दोबारा से। एक्टिव होने के साथ साथ जो है वो रोमन रेंस को काफ़ी गुस्सा आता है कि अब ये गया और उसको मुक्के मारने शुरू कर देता है, ये देखकर लोगों को पता चल जाता है कि अब रोमन रेंस अपना कौन सा मूव आजमाने वाला है रेसलर के ऊपर। इसी के साथ साथ जो है वो रोमन रेंस उसको उठाता है और फिर जो है वो गीटी की तैयारी करता है, रोमन रेंस को उठा के गीटी मार देता है जो कि सेथ रॉलिंस सर्वाइव करने वाला होता है बट फिन बैलर सर्वाइव नहीं कर पाता, फिन बैलर जो है वो काफ़ी छोटा रेसलर है और वो गीटी को सर्वाइव नहीं कर पाता, वो जो है वो टैप करने की कोशिश करता है बट यहाँ पे स्टिल वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है बट यहाँ पे नहीं कर पाता सर्वाइव, अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसको टैप करना पड़ता है बट यहाँ पे वो टैप भी नहीं करता, वो जो है कोशिश करता है कि किसी तरीके से मैं रोप तक पहुँच जाऊँ, वो अपना पाँव भी उठाता है, पाँव भी उठाने के बावजूद वो नहीं पहुँचता, वो कोशिश करता है कि मुझे वहाँ तक जाने का मौका मिल जाए बट वहाँ तक वो नहीं जा पाता क्योंकि रोमन ने काफ़ी ख़तरनाक तरीके से उसको गीटी मार देता है और यहाँ पे फिन बैलर जो है वो अपनी ब्रेक छोड़ देता है और जो है डीप हो जाता है, यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रोमन को उठा के साइड में फेंकता है और रोमन ने अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। तो बस गाइस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।